نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

हज़रत थानवी रमतल के मवायस का सिलसिला चल रहा है आज जो बाद शुरू होता है इसका नाम अर्रफ़ा ववज़ा ये बाज़ मस्जिद खानकाह इमदादिया थाना भवन में हुआ नौ रज़ब सन तेरह सौ बयालीस हिजरी बाद नमाज जुमा दो घंटे चालीस मिनट ये बाज़ हुआ बैठ कर पहले खाना की दरख्वास पर जो इसका मज़मून ये था कि हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़ेल व हाल से सबक लेना चाहिए फिर ये बतलाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ मेराज से उम्मत को क्या नफा हुआ इस वास को जब्त किया मौलाना ज़फ़र अहमद साहब रहा ने और सामीन की तादाद तकरीबन सौ थी आयत का तर्जुमा यह है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बेशक आपको इस शान का रसूल बनाकर भेजा है कि आप गवाह होंगे और बशारत देने वाले हैं और अल्लाह की तरफ इसके हुक्म से बुलाने वाले हैं और आप एक रोशन चिराग हैं ये एक आयत है जिसमें हक़ तआला ने अपने रसूल करीम अलैहि अफसलसलात व तस्लीम की बहुत सी सफ़ात बयान फरमाई हैं जिसमें से इस वक्त मकसूदुल बयान अख़िरर की सिफत है और इसी से मुझको वो मजमून मुस्तदत करना है जिसके बयान का इस वक्त इरादा है और वो सिफत सिराजु मुनरा है रोशन चिराग वजह बयान की यह है कि बाज़ हजरात ने खुलूस के साथ बयान की दरख्वा की थी क्योंकि अरसे यहाँ पर बयान न हुआ था वो अभी तक सफ़र का तकान न उतरा था रात भी सर में दर्द था और अब भी मौजूद है और बयान के लिए जिस इनशरा की ज़रूरत होती है उसके लिए ये माने काफ़ी था मगर दरख्वास्त तो खूस से थी इसलिए इनकार को जी ना चाहा ये ख्याल हुआ कि इस दरखास्त को पूरा ही कर दूँ वो मुख्तसर ही बयान हो मगर तकान की वजह से पुख्ता वादा भी न किया था यह कह दिया था कि वक्त पर जैसी राय होगी इतला कर दूंगा। फिर मैंने सोचा कि अगर बयान करूं तो क्या बयान करूं? बड़ी देर तक कोई मजमून जहन में न आया और ये आद, आदत नहीं कि कई तफक जैसा इतफाक़ उसका कोई म, कोई सा मज़मून बयान कर दिया जाए बल्कि हमेशा ये ख़्याल रहता है कि ज़रूरत और वक्त के मुनासिब मजमून बयान किया जाए जब वक्त के वक्त भी कोई मजमून ख़ास जहन में न आया तो एक मान ये मौजूद हो गया मगर दफ़ातन नमाज में एक मजमून की तरफ़ ज़हन मुंतक़िल हुआ वो ये कि महीना रजब का है जिस में बत्तफाक़ मरखीन व अहल सर हज़ूर अलैहि वसल्लम का एक ख़ास कमाल हुआ यानी महराज फिर इस तरफ़ जहन मंतकिल हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कमालात मुतादी हैं लाजमी नहीं हैं यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात से सिर्फ़ आप ही को नफ़ा नहीं हुआ बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कमाल से दूसरों को भी नफ़ा हुआ है यानी उम्मत को भी नफ़ा हुआ है इसलिए वाक़ मराज में भी हज़ू सल वसलम का जो कमाल ज़ाहिर हुआ वो भी मुतदी होना चाहिए लाजमी ना होना चाहिए उसके बाद उन्वान, बयान मुतन हो गया कि आज ये मजमून बयान किया जाए कि वाक़ महराज से हज़ूर सल्लासम का कमाल तो जाहिर हुआ ही उम्मत को भी इससे नफ़ा पहुँचा है और आपका ये कमाल भी दूसरे कमाला की तरह मुत है लाजमी नहीं इसी तरह पर ये मजमून हमारी ज़रूरत का हो गया वो हमारे वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का मुतलखन बयान भी सबब शत है खा उनके तादिये पर नज़र हो या ना हो मगर अल अहम फल अहम के कायदे से चूँकि अभी हम अपनी इस्लाह से फारिग नहीं हुए हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में भी ये नज़र रखना चाहिए कि हमको इससे क्या नफ़ा हासिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को महज इस नज़र से ना देखना चाहिए कि ये आपका ख़ास वाक़ है बल्कि सबक सबसे सबक लेना चाहिए कि इसकी शहादत क़ुरआन से मिलती है हक़ तला फरमाते हैं वमा अरसल्लम रसूल लियुता बसन के हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर इसी वास्ते कि खुदा के इज़्ज़त से उसकी इताअत की जाए हालांकि रसूल के लिए रिसालत बहुत बड़ा कमाल है मगर हकता ने लियुता चाहिए कि उसकी इताअत की जाए मैं हमको मुतनब फ़रमा दिया कि तुम रिसालत पर महज़ इस हैसियत से नजर ना करो

यानी हज़रत इब्राहीम व इसमायल आलिम ने अर्ज़ किया कि ए परवरदगार हमारी औलाद में ऐसा रसूल मबूज़ फरमाइए जो उन पर आपकी आयात की तलावत करे और उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनका तस्किया करें ये आयत ख़ास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शान में है क्योंकि ये दुआ ऐसे नबी के हक़ में है जो दोनों हजरात की औलाद में हों और ऐसा रसूल जो इब्राहिम और इसमाईल आसलम दोनों की औलाद हो बजुज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नहीं है साबित हुआ कि इस दुआ का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और इसमें अलैहि वसल्लम के जिन का बयान है उनके मुत होने का भी साथ बयान है कि वो ऐसे रसूल हों जो महज कमारे कमाल रिसालत ही से मुतसिफ ना हो बल्कि उनका यह कमाल मुत भी हो कि मखलूक को उनसे फैस पहुँचे और उसमें खास हजूर सल्ला के कमालात के, के मतलब दो पैगम्बरों के सी गए दुआ में इस पर तमबीह कर दी गई कि लोगों को हजूर सल्ला वसल्लम के कमालत में अपने फायदे पर कभी नजर रखनी चाहिए एक मुकाम पर हक़ तला ने

जबकि उनमें उन्हीं में से ऐसा रसूल भेजा ऐसे रसूल को भेजा कि वो उनको अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और उन लोगों की सफाई करते रहते हैं किताब और फहम की बातें बतलाते रहते हैं गरज इस किस्म की बहुत सी आयात हैं जिनमें मेरे इस दावे की दलील मौजूद है कि हमको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कमाल से सबक लेना चाहिए और उन पर इस जहद से नज़र करनी चाहिए कि हमको इस कमाल से क्या फ़ायदा हुआ जिन में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा कमाल मेराज भी है तो इससे भी हमको सबक लेना चाहिए अब इस एतबार खास से इस मजमून को रजब के महीने से कोई ख़ास खसूसियत भी नहीं रही क्योंकि मैं वाक़ मेराज बयान न करूँगा बल्कि ये बतलाऊँगा कि उम्मत को इस वाक़ से क्या फैज़ पहुँचा और जाहिर है कि इस माह से वाक़ को कुछ तो खसूसियत है भी मगर जो फैज़ उम्मत को इस वाक़ से पहुँचा है वो इस महीने के साथ ख़ास नहीं इसलिए ये अहतमाल भी न रहेगा कि मैं इस माह की खसूसियत की वजह से ये मज़मून बयान कर रहा हूँ जैसा इस महीने में बाज़ लोग रजबी करते हैं रजब के महीने में रजबी करते हैं मगर वो सिर्फ वो मेराज बयान कर देते हैं ये कोई नहीं बयान करता कि उम्मत को उससे क्या नफा हुआ वो तो नफसे वाक़ का बयान भी बायस बरकत है बशरते के मुनकरात से खाली हो जिसमें तखसीस इल्तिज़ाम भी दाखिल है अब मैं वो मजमून बयान करता हूँ कि उम्मत को वाक़ माराज से क्या नफा हुआ जिसके लिए मैंने ये आयत तिलावत की है जिसमें मेरे ौक़ में से राजम मुनरा से इस मजमून को मुनासिबत है वो इस पर इस्तदलाल मौूफ़ नहीं इस पर दूसरे मुस्तिल दलाइल हैं मगर मुनासिबत को जाहिर करना मकसूद है इस आयत में हजूर सल्ला वसलम को रोशन चिराग फरमाया गया और ये बतौर तशबी के है जैसे जैदन जाएद, असदुन के जैद शेर है ये कहा जाता है तो बवजह शुजात के ये नहीं कि वो असल में शेर है बल्कि शुजात की वजह से इसी तरह हजूर सल्ला वसल्लम को इस खास सिफत में चिराग से तस्बी दी गई और ये बात याद रखने की है कि तस्बी में मुशबा भी का मुशबे से अखवाऊ अक्मल होना लाजिम नहीं कि जिस से तस्बी दी जा रही है और जिसको दी जा रही है तो वो तस्बी दी जाने वाली चीज उससे अकमल हो ऐसा नहीं अलबत्त वाज अशहर होना ज़रूरी है इसलिए हजूर अलैहि वसलम को चिराग से तस्बी देने में भी ये एहतमाल नहीं हो सकता कि नाउजुबिल्ला इस सिफत में चिराग आपसे अफजल है बल्कि इसका मबना भी वही है कि चिराग इस सिफत में वजह महसूस होने के मशहूर है एक मिसाल के तौर पर वो मशहूर है और यहाँ से ये इश्काल भी मुतफा हो गया जो बहुत लोगों को सी गए सलात सलाद अलमदिनद इब्राहिम आली इब्राहिम अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद पर और उनकी आल पर जैसा कि दरूद भेजा तूने इब्राहिम और उनकी आल पर इससे इश्काल पैदा आया करता है जिस इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात को इब्राहीम की सलात से तस्बी दी गई है जिससे इब्राहिम की सलात की अफजलियत लाजिम आती है इस इश्काल का मंशा यह है कि तशबी के लिए मुशबा भी का अफजल होना लाजिम समझा जाता है मगर ये बिना फासिद तशबी के लिए

खुद अपने नूर को नूर मिसबाह से तशबी दी हालांकि यहाँ मुशब्बा बिह की अफजलियत का वहम भी नहीं हो सकता फरमाते हैं अल्लाह नूरु समावाति वल अर मसल नूर ही का मिशकात इन फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा अल का अन्नहा कौकबुन दुर्री युखदु मिन शजरतिं मुबारकतिं जैतूनतिं ला वला गर्बिया नूरु नला नू अल्लाह नूर देने वाला है आसमानों का और ज़मीन का उसके नूर की हालत अजीबा ऐसी है जैसे उसमें एक ताक है और उसमें एक चिराग है वो चिराग एक कंदील में है वो कंदील ऐसा है जैसे एक चमकदार सितारा हो वो चिराग एक मुफीद दरख्त से रोशन किया जाता है और वो जैतून है जो न पूरब रुख है न पश्चिम रुख है उसका तेल अगर उसको आग भी छुए ताहम ऐसा मालूम होता है कि खुद खुद जल उठेगा नूरन आला नूर है गो यहाँ नूर मिसबाह की बहुत कुछ तकवीयत की गई है कि चिराग शीशे के अंदर है और ऐसा चमकदार है जैसे रोशन सितारा और इस चिराग में तेल भी जैतून का है इतना कि आग लगने से पहले भी भड़कना चाहता है यानी उसकी तारीफ की है जैतून के तेल की लेकिन गो वो कितना ही कवि हो हकता के नूर से उसको क्या नस्बत इससे साबित हो गया कि मुशबा बीह के लिए मुशबा से अफजल होना जरूरी नहीं गो इतफाक सेद के असद जैद से ज्यादा ही बहादुर हो और वाकई इस जानवर को खुदा तुबत व शुजात बहुत दी है यानी शेर को तो बहुत दी है और अजब नहीं ऐसी ही जुजियात से लोगों को ये गलती वाक़ हो गई हो कि मुशबा बिह को मुशबा से अफजल होना चाहिए मगर हकीकत में ये लाजिम नहीं वरना नूर मिसबाह को नूर खुदाबंदी से अफजल कहना पड़ेगा हालांकि इसको इसका कोई भी कायल नहीं हो सकता बल्कि यह है कि मुशब्बा बीह का सिर्फ अशहर वही क्योंकि हकता गायब अज नजर है, है। अल्लाह त को कोई देख नहीं सकता गायब अज नजर है कोई शख्स उनको आंखों से दुनिया में नहीं देख सकता इसलिए खुदा का नूर अशहर नहीं और नूर मिसबा चिराग का नूर अशहर है देखा जा सकता है इस वजह से उसको नूर मिसबा से तस्वीर दी गई और खुदा के नूर की तो बड़ी शान है लोग किसी आलिम की तारीफ में कहा करते हैं कि हजरत तो रोशन चिराग है इसमें भी उनको ये वहम नहीं होता कि चिराग नूर में उनसे अफजल है मगर चूंकि चिराग कोई भी खाली अज नूर नहीं देखा गया इसलिए उनका नूर अशहर है और बशर बाज बाती हैं बाज नूरानी इसलिए उसका मुनवर होना मोहताज दलील है तो इसका मुनवर होना अशहर नहीं इस तफसील से ये मसाला तय हो गया कि बी के लिए मुशबा से अफजल होना लाजिम नहीं सिर्फ अशहरो वाज होना जरूरी है बस हजू सल वसल्म को सिराज मुनर फरमाने से अफजलियत सिराज का शुबा नहीं हो सकता अल गرض इस आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीहा रोशन चिराग फरमाया गया और बिना बर اصول तशबीह जो खास وصف चिराग में है वो आप में होना लाजिम है और इसी से ये शुबा भी दफा हो जाएगा कि आफताब या महताब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ना तशबीह दी गई यानी चांद और सूरज से भी दी जा सकती थी चिराग से तस्बी क्यों दी हालांकि आफ्ताब तमाम में है सबसे ज्यादा रोशन चीज है उसके न चांद की कोई हकीकत न चिराग की और अगर ये कहा जाए कि आफ्ताब की रोशनी में हरारत और तेजी ज्यादा है जिसकी वजह से कोई उस पर निगाह नहीं जमा सकता इसलिए उससे तस्बी नहीं दी गई तो फिर चांद से तशबी दे दी जाती चिराग से तो वो बदर जहाज ज्यादा है। वजह दफा यह है कि चिराग में एक खास सिफत ऐसी है जो आफ्ताब में है ना महताब में इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिराग रोशन फरमाया गया बात यह है कि चिराग में तीन सिफतें हैं चिराग में तीन सिफतें हैं एक उसका खुद रोशन होना चिराग का खुद रोशन होना दूसरे अपने गैर को रोशनी देना कि जहां अंधेरा हो वहां रोशन कर दो तो दूसरी चीजों को भी रोशन कर देता है तो एक खुद रोशन होना दूसरे अपने गैर को रोशनी देना कि चिराग की वजह से दूसरी चीजें जुलमत से नूर में आ जाती हैं इन दो सिफतों में चिराग और आफताब और महताब सब शरीक है सूरज का भी ये काम है चाँद का भी ये काम है और ये दो सिफत आफताब और महताब में बेशक चिराग से ज़्यादा हैं उनकी रोशनी ज़्यादा है और वो ज़्यादा रोशन करते हैं तीसरी सिफत चिराग में है तीसरी सिफत चिराग में जो है इससे दूसरा चिराग उस चिराग से दूसरा चिराग उसी के मिसल रोशन हो सकता है एक चिराग से एक हजार रोशन कर लें उस चिराग की रोशनी में भी कमी नहीं आएगी और रोशन होते चले जाएंगे तो इससे दूसरा चिराग इसी के मिसिल रोशन हो सकता है चुनाचे एक चिराग से सैकड़ों चिराग रोशन कर लिए जाते हैं ये सिफत खास चिराग ही में ऐसी है कि आफ्ताब महताब में नहीं क्योंकि आफताब से दूसरा आफताब और महताब से दूसरा महताब रोशन नहीं हो सकता खुलासा ये कि आफताब और महताब दूसरी चीजों को मुनवर तो कर देते हैं मगर मुनवर ब फाइल नहीं करते और चिराग दूसरी अशिया को भी मुनवर करता है और, और मुनवर भी कर देता है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब और महताब से तशबी नहीं दी गई यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफताब और महताब से तस्बी नहीं नहीं दी गई बल्कि चिराग से तस्बी दी गई बल्कि चिराग रोशन फरमाया गया तो चिराग की तरह आप में भी अलावा खुद नुरानी होने के दो सिफतें हुई एक ये कि आप दूसरों को मुनवर करते हैं और दूसरे ये कि आप बाज़ों को मुनवर बनाने वाले हैं पहला कमाल आपका उम्मत में जाहिर हुआ और दूसरा कमाल अम्बी अलैहि मसल में जाहिर हुआ क्योंकि अम्बी आलु मसल आपसे फैज़ हासिल करके बन जिला मुस्तिल चिराग के हो गए जैसे एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन कर लिया जाए तो बजाय खुद मुस्तकिल मुनवर हो जाता है यही शान अम्बी आल की है उम्मत की यह हालत नहीं क्योंकि उम्मती के अंदर जो नूर आपके वास्ते से आता है वो उसमें मुस्तकिल नहीं बस आप अम्बी आलम के कमाल के लिए वास्ता फिर सबूत के हैं और जी वास्ता भी इस कमाल के साथ मासूफ हकी हो जाता है और वाक में वहाँ दो सिफतें होती हैं एक वास्ते की और एक जी वास्ता की और उम्मतियों के लिए बंजिला फिलूस के हैं जी वास्ता हकीकता उस कमाल के साथ मौसूफ ही नहीं होता महज मजाजन मुतसिफ होता है क्योंकि वहाँ वाके में एक ही सिफत होती है सिर्फ वास्ते में और जी वास्ते में कोई सिफत होती ही नहीं इसी तरह उम्मतियों में वाक उम्मतियों में वाके में सिफत तनवीर की है ही नहीं यानि ये सिफत तो अम्बिया की है कि जिससे चराग से चराग रोशन करते चले जाए वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सिफत है और उम्मतियों की तरफ मजाजन मंसूब कर दी जाती है ब खिलाफ अम्बिया के के वाके में भी उनमें तनवीर की सिफत हो जाती है यानी दूसरों को रोशन करने की वो आपकी ही बरकत से थी रहा यह कि हजूर सल्ह वसलम से जमी कमाल में अम्बी अम्बिया को फैज पहुंचने की क्या दलील है कि आपसे दीगर अम्बिया को फैज पहुंचा तो हमको इसके दलाइल बतलाने की वो कुछ हाजत नहीं क्योंकि ये मसला अहल तहकीकमा है मगर तकरीब फहम के तौर पर बतलाने का कोई हरज नहीं तो एक मुकदमा अव्वल समझना चाहिए कि आप जमी कमाल अम्बिया आसलम के जामे हैं आप जितने भी अम्बिया के अंदर कमालत थे वो आप सल्लाम उन कमाल के जामे हैं बाकी इनशाला इसकी तफसीर आएंगा الله تعالیٰ فہم دین الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنا وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة

صلى الله <سؤال> عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين